यकीनन अब माशाल्लाह हम आज 12वें दिन में दाखिल हो गए और आप लोग फॉलो भी कर रहे होंगे तो आप लोग को तरीक़ाकार बिल्कुल मालूम होगा। बजर अपना अपना चेक कर लीजिए, तीनों बजर आप लोगों का दुरुस्त है। क्वेश्चन सुनिए, आपको आंसर आता है फौरी तौर पर बजर दबाइए, जब तक मैं या फहीम साहब आप में से किसी को ना कहें कि बजर किसका बजा है तब तक आंसर ना दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने नाम लेने से पहले आंसर दे दिया तो आपके नंबर्स माइनस होंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूरा सुन लीजिएगा, ऑप्शंस भी मेरे पास मौजूद हैं, अगर आप लोगों को ऑप्शंस की ज़रूरत होगी तो मैं ऑप्शंस भी दूंगी। आगाज़ करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पहला सवाल, नेकियों की फसल फसल बहार किस महीने को, टीम लाम, रमज़ान, रमज़ानुल मुबारक को, दुरुस्त जवाब। आप अपना माइक एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। सूरह अहज़ाब में आयात की तादाद कितनी है, ऑप्शन 1 70, ऑप्शन 2 73, ऑप्शन 3 78 या 69? 79 आपका गलत जवाब, 73 आयात हैं। सी पैक स्टैंड्स फॉर, चाइना पाक पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दुरुस्त जवाब। लोग इसको सी पैक को समझते हैं, सी पैक यानी कि समंदर को, लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अगला सवाल है, ओलंपिक गेम्स में पहली बार ख्वातीन ने कब मुकाबलों में हिस्सा लिया था, 1900, 1912, 1916 या 1920? क्वेश्चन स्किप कर दें अगर आप तीनों को ही नहीं मालूम। 1900 में पहली बार मुकाबलों में हिस्सा लिया था। कुरान पाक की सबसे तवील सूरत, टीम लाम, एक सेकंड रुक जाइए, टीम वाओ, माफ़ कीजिएगा, सूरह बकरा, सूरह बकरा, दुरुस्त जवाब। गोल्फ में गेंद को जिस चीज़ से खेला जाता है या गेंद को जिस चीज़ से मारा जाता है उस छड़ी को क्या कहते हैं, गोल्फ स्टिक, गोल्फ स्टिक कहते हैं। कोई और जवाब देना चाहेगा, क्लब कहते हैं, आपका जवाब गलत था। सातवां सवाल है, हजरत खालिद बिन वलीद का ताल्लुक किस कबीले से था, ऑप्शन बनू उमैया, बनू मखज़ूम, बनू हाशिम या बनू अकबा? बनू मखज़ूम से उनका ताल्लुक था। बड़ा आसान है। गैम्बिट एक टर्म है जो मुंदरजा ज़ेल में से किस खेल से वाबस्ता है, ये आप लोगों ने बताना है, मुंदरजा ज़ेल मेरे अपने लिए क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ है। ब्रिज, कैरेट, चेस या फिर ब्लेड? रिपीट, आगे बढ़ जाएं, आज आप लोग तैयारी के साथ रिपीट कर दिएगा, क्वेश्चन रिपीट कर दो। गैम्बिट एक टर्म है जो खेल के लिए इस्तेमाल की जाती है, ब्रिज, कैरेट, चेस या फिर ब्लेड? आगे बढ़ जाते हैं, चेस के लिए ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। साकी जमजम किसको कहा जाता है, बड़ा ही आसान और बड़ा खूबसूरत सवाल कि हमें तारीख में भी बड़ी मज़ेदार ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं इस हवाले से जो ईमान को ताज़ा कर देती हैं, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत अली करमुल्लाह वजह? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दुरुस्त जवाब। हजर असवद को चूमना क्या कहलाता है, सही, सही, इस्लाम, रमी, क्या कहलाता है? इस्लाम, इस्लाम, सेकंड ऑप्शन, नहीं, इस्लाम कहलाता है, लेकिन आपका जवाब हम इसको दुरुस्त कंसीडर करते हैं। चलें जी, ये राउंड तो खत्म हुआ और इससे पहले कि हमारे पास रिजल्ट आए हम बस बढ़ जाते हैं। जी, बजर राउंड की तरफ बढ़ते हैं और बजर में आपके पास है एक मिनट, एक मिनट में आपने जवाब देना है, अगर जवाब नहीं आता पास कर दीजिएगा। ठीक है जी, टीम और आज वो साकी जमजम के बारे में हजरत अब्बास को जो कहा जाता है वो इंशाल्लाह उलमा कराम इंशाल्लाह ये किस्सा भी जरूर सुनेंगे, बड़ा खूबसूरत किस्सा आ गया। और बनू मखज़ूम वाला जो था वो बड़ा ही आसान, इस वजह से मैं कहना चाह रहा था, कह नहीं पाया, इंटरप्ट करना मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उसी कबीले से रिश्तेदार थे दोनों। तैयार है जी, टीम लाम आपसे शुरुआत होगी, आपका वक्त शुरू होता है अब। ज़कात के लफ्जी मायने क्या है, पाक करने के, बिल्कुल सही। मिस्र के दारुल हुकूमत का नाम बताइए, पास, कायरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल तबलीग की, पास, 23। मलाला यूसुफ़ज़ई को किस सन में नोबेल प्राइज नवाजा गया, 2014। वसीम अकरम ने किस मुल्क की खातून से शादी की है, ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही। तोते की औसतन उम्र कितनी होती है, पास, 100 साल। खाना काबा से पहले मुसलमानों का किबला कौन सा था, बैतुल मुकद्दस, सही जवाब। इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, पास, तरबेला। दुनिया में सबसे ज़्यादा आइसक्रीम किस मुल्क में खाई जाती है, पास, न्यूजीलैंड। दुल्हन, दूल्हा और शादी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैरिज, दुल्हन,
दूल्हा और शादी, ये तीन अलग अलग लफ्ज हैं। ब्राइड, ग्रूम और वेडिंग। बिल्कुल सही, वेडिंग मैरिज। खाने की कौन सी गोश्त में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है? लेकिन इसका जवाब गाय दे सकते क्योंकि वक्त खत्म हो गया। वक्त खत्म हो चुका है। किसमें वैसे आपने क्या कहा? गाय का गोश्त। गाय के गोश्त में जवाब भी गलत ही था, डक। बतख के गोश्त में सबसे ज्यादा आयरन। अच्छा, बतख का गोश्त खाया जाता है? हाँ, हलाल है। अच्छा जी जी बिल्कुल। अब है जी बे, बे टीम बे। अक्वाम मुत्तहिदा का कयाम किस मुल्क में अमल में आया? अक्वाम मुत्तहिदा कहाँ पर जो है वो बना? अमेरिका। अमेरिका सही जवाब। माइक के करीब हो जाएं। ईमान की सिफात कितनी और कौन सी हैं? ईमान की सिफात चार। ईमान की सिफात पास दो हैं जी, ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मिल। अच्छा, जन्नतुल बकी कहाँ वाक़ है? मदीने पाक में। मदीने में सही जवाब। किस सहाबी ने सबसे पहले कुरान पाक हिफ्स किया? हजरत उस्मान बिन अफान। बिल्कुल सही जवाब। कुरान मजीद में पहला सजदा तिलावत कौन से पारे में है? सूरह नवा पारा। नवा पारा सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी मुकम्मल सूरत नाजिल हुई? मुकम्मल सूरत कौन सी नाजिल हुई? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा सही जवाब। इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने किस शख्सियत को सबसे पहले मुतय्यन किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। अमेरिका का कौमी कब्रिस्तान कहाँ वाक़िया है? वाशिंगटन। बिल्कुल सही। टाइम अप हो गया है। बहुत ज़बरदस्त जवाब मिले हैं भाई टीम बे की जानिब से। अब देखते हैं टीम वाओ इन्हें टफ टाइम दे पाते हैं या नहीं। तैयार हैं जी आप? एक मिनट का टाइम आपका और शुरू होता है अब। वो कौन सी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे ज्यादा नाफरमान करार दिया है? काफर। काफर पास। बनी इसराइल। बनी इसराइल कौम का पूछा गया है। पाकिस्तान में सबसे कम शहरी आबादी वाला इलाका कौन सा है? जेलम। फाटा। चीनी किस फसल से तैयार होती है? पास। गन्ना, शुगर केन। कुरान मजीद में पहली वही किस पहाड़ पर नाजिल हुई? हिरा। हाँ जी, अरे हेरा। बिल्कुल। फीफा वर्ल्ड कप 2018 किस मुल्क में मुनक्किद किया गया था? जापान। रशिया। नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है या फर्ज है? सुन्नत। सही जवाब। सूरह इखलास की आयात कितनी है? चार। सही जवाब। बी एड की डिग्री का फुल फॉर्म क्या है? किसकी सर, रिपीट। बी एड। पास। बी एड बैचलर ऑफ एजुकेशन। बताइए सफेद हाथी सबसे ज्यादा किस मुल्क में पाए जाते हैं? थाईलैंड। तो बिल्कुल सही जवाब। और टाइम अप हो गया है। आपने कोशिश बड़ी की लेकिन हो नहीं पकड़ा, वैसे ही टाइम अप हो गया। टेंपो पकड़ते ही जो है वो आपने कोशिश अच्छी की। गिफ्ट जो है वो आज एक ही विनर के साथ जाएगा, ऐसा नहीं है जैसे तकरीर करने वालों को हमने सबको दे दिया। आप में से सिर्फ विनर को मिलेगा, ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने बराबरी की कोशिश की थी। आप लोगों ने बजर में जो है वो थोड़ी थोड़ी कोताही बढ़ती है, तो देखते हैं रिजल्ट जो है वो अभी आपका कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन रिजल्ट जो भी हो कोशिश करते रहें, पढ़ते रहें। माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों को उन सवालों के जवाब भी मौजूद हैं जिनके जवाब मुझे इसमें से पढ़ने पड़ रहे थे, तो मुझसे तो बहुत ही ज्यादा जानते हैं। और कोशिश करते रहे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत और आगे आज जाएंगे। के विनर दो मिटाए है भाई, टीम बे और टीम लाम 60 पॉइंट्स के साथ, और टीम वाओ आप पीछे रह गए हैं 50 पॉइंट्स के साथ। तो अब इसमें क्या किया जाएगा? तो दो विनर्स हैं, दो आगे जाएंगे, यकीनन दो विनर्स आगे जाएंगे और दो गिफ्ट हैंपर जाएंगे। आपकी दुआ कबूल हो गई लग रहा है आप लोगों का। आप लोग अपनी नशस्त पे जाइए। अच्छा भाई, दोनों से एक सवाल होगा। हाँ जी, एक चले, ये अच्छा है जी 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 जी, एक सवाल दोनों से होगा और इस पे आप कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिए। हम बजर एक क्वेश्चन के साथ ही फिर रिजल्ट विनर अनाउंस हो जाएगा। बजर राउंड है ये, टीम बे और टीम लाम आप दोनों से है। अरीना किस खेल के मैदान का खास नाम है? रेसलिंग, क्रिकेट या स्केटिंग? स्केटिंग। गलत जवाब। तो फिर विनर डिसाइड हो गए हमारे, विनर डिसाइड हो गए। आपको जवाब आता है? आपको जवाब आता है? आपको भी नहीं आता, लेकिन गलत जवाब देके माइनस पॉइंट्स ले लिए इन्होंने। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। पहली जंगे अजीम किसने जीती है? ऑप्शन दे देती हूँ, यूएसए, यूके एंड जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड जर्मनी, यूएसए, यूके एंड फ्रांस या हंगरी, यूके एंड जर्मनी। पहली जंगे अजीम किसने जीती? तीनों को घर भेजें आज भैया, डिसाइड नहीं हो पा रहा। यूके एंड फ्रांस। हमारे पास विनर बे आ चुका है क्योंकि अब हमें ब्रेक पे भी जाना है। हाँ। आपने गलत जवाब दे दिया, आपके पॉइंट्स माइनस हो गए। बजर राउंड में माइनस पॉइंट्स भी रखे हुए हैं ना, तो आपके पॉइंट्स माइनस हो गए। टीम बे के साथ जो है वो गिफ्ट हैंपर जाएगा और एक ही जाएगा, ठीक है जी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। पुरनूर सहर और जिक्र खुदा, नबियों की मदह सराई।
पैगाम सुना एबादे सबा पुर कैफ साथ आई। पोशीदा है ईमान की राह अल्लाह की किताबे मुकद्दस में, बस गौर व फिक्र का दर है खुला हिकमत से सजी इस महफिल में, है लब पे दुआ जिदनी इल्म रोशन ही रहे ये सारा जहां, रिमझिम रिमझिम रहमत की घटा हर एक ने हिदायत पाई, नेमत और बरकत से सजा इफ्तार और सहर का दस्तरखा, नन्हे फूलों ने मिलके कहा आज रोजा कुशाई है। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बो। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल फहीम खान और किरण नाज के साथ रोजाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।